हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के साइंस के मॉडल पेपर को एनालिसिस करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें कैसे पूछी गई हैं। ठीक ना, तो कौन सी चीज़ें कैसी पूछी गई हैं तो उस चीज़ को पहले आप एनालिसिस कर लेंगे कि कौन सा प्रश्न किस आधार का, कैसा डिफिकल्टी है उसका, कैसा कठिन है या फिर ईजी है, किस तरीके से पूछा गया है। हम लोग इस चीज़ के बारे में एनालिसिस करते हैं और कुछ प्रश्नों के आंसर मैं आपको बताऊँगा और बाकी सब चीज़ें आप अपने ऑप से सॉल्व करिएगा और उस चीज़ को नोट डाउन करिएगा परीक्षा में। ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मॉडल पेपर आप अपने दिमाग में बना लेते हैं तो अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक ना, तो हम पहले इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में आपका जो समय है वो 3 घंटा 15 मिनट है और आपको 3 घंटा 15 मिनट में जो 15 मिनट है वो पेपर पढ़ने के लिए अनिवार्य है। मतलब आप पेपर पढ़ेंगे 3 घंटे 15 मिनट में। आप पेपर को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके आंसर देना प्रारंभ करिए। और आपका जो पूर्णांक होने वाला है 70 नंबर का पूर्णांक होगा इस पेपर का, और इसमें +30 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल का मिलता है, तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का पूर्णांक बन जाता है। ठीक ना, तो ये तो बात होगी सामान्य सी जानकारी। अब नेक्स्ट हम लोग टर्म में आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका प्रश्न पत्र दिया है वो 2 खंडों में, मतलब खंड अ और खंड ब में विभाजित है, मतलब 2 खंड हैं। और खंड अ तथा खंड ब को 3 उपखंडों में, उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग में विभाजित है। मतलब इसमें 3 उपखंड हैं और आपका जो खंड अ है उसमें केवल बहुविकल्पी प्रश्न है। मतलब एक ही प्रश्न दिया रहेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेगा। ठीक ना, और जो ऑप्शन सही होगा आपको अपनी OMR शीट में काले अथवा नीले बाल पॉइंट से भरना है। और देखिए, जो भी गोला होगा उसको भरने के लिए क्या आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि गोले को आपको पूरा भरना है, ऐसा नहीं कि आधा भर देना। ऐसे भर देंगे तभी भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, मतलब कट जाएगा। ऐसे आधा अधूरा कैसे भी भर देते हैं, बाहर कर देते हैं तभी भी नंबर कट जाएगा। अगर आप इसको ऐसे बाहर करने के साथ साथ आप अच्छे से नहीं भरें, मतलब कैसे भी उसको बस दिखा रहे हैं भरा हुआ है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब आप उस गोले को पूरा बढ़िया से एकदम अच्छे से भर देते हैं, ठीक ना, कि उसके बीच में कहीं खाली और उसकी जो लाइन बनी उससे बाहर नहीं जाए, तभी भी आप, तभी जा करके आपको राइट आंसर मिलेगा उसका, मतलब कि सही नंबर मिलेगा। ठीक ना, तो आपको इस तरीके से भरना है। नेक्स्ट, आपका जो भी प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपका 1-1 नंबर का होना होगा। ठीक ना, और OMR शीट पर कोई भी आप आंसर अंकित कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसे काटे या फिर मिटाने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। उसके बाद आपका जो खंड ब है उसमें वर्णनात्मक प्रश्न है, उसमें आपको आंसर देना है। ठीक ना, और नेक्स्ट है आपका प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक, मतलब कौन प्रश्न कितने नंबर का है, ये सब दिया गया है उसके प्रश्न के आगे ही। और जो खंड ब का प्रत्येक उपखंड है, ठीक ना, उसको सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ठीक ना, और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करिए। ठीक ना, नए पृष्ठ से करने का मतलब आपके जितने भी 3 उपखंड हैं, तो अगर एक उपखंड आदि आधे पेज पे समाप्त हो जाता है, तो अगर आपको अगला उपखंड प्रारंभ करना है तो आप अगले पेज से स्टार्ट करेंगे, ऐसा इंस्ट्रक्शन में कहा गया है। ठीक ना, नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो आप सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है। ठीक ना, आपको सभी प्रश्न करने ही करने हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग अब समझ लेते हैं आपका जो खंड अ का जो बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक ना, जो खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें दिया क्या चीज़ है, पहले देखिए आपका उपखंड क में दिया है, ये पहला प्रश्न है फिजिक्स का, कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करेगा तो कहने का मतलब क्या होगा कि पहले उसके सामने कौन सा भाग पड़ेगा, क्रिस्टली लेंस पड़ेगा, तो ये तो बात गलत है कि पहले लेंस पे नहीं पड़ेगा। दूसरा, आपका परितारिका पर भी नहीं पड़ेगा, दूसरा पुतली पर भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भाग मिलता है वो कार्निया वाला भाग मिलता है, और जब कार्निया वाला भाग मिलता है तो जो पहला अपवर्तन होता है, प्रथम अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन वो कहाँ से हो जाता है, कार्निया से हो जाता है, जिसे हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक ना, स्वच्छ मंडल, तो आपका ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को मैंने विद्युत धारा वाले वीडियो में इंक्लूड भी किया हूँ कि वोल्टता को निरूपित करने, मतलब भी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम का नियम बात करेंगे तो भी बराबर में IR होता है, और विभव की बात करेंगे तो भी V=W/D में Q होता है। अब देखिए, अब ऑप्शन को मिलाइए कि क्या आपका जूल और किया गया कार्य और आवेश के पद में कोई ऑप्शन दिया है, या फिर आपका धारा और यहाँ पर जो प्रतिरोध है यहाँ पर R होगा। ठीक ना, R, तो धारा और प्रतिरोध में क्या कोई दिया हुआ है संबंध ऑप्शन वाला, तो ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, मिल रहा है कौन वाला, ये V=W/Q वाला। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कौन सा आपका आंसर होगा। तो V=W/Q होगा, और आपको पता है फार्मूला Q=IT, तो W/I×T हो जाता है, I×में क्या हो जाता है, T। तो W क्या है, आपका किया गया कार्य है, और I क्या है, वैद्युत धारा, और T क्या है, समय। तो
किए गए कार्य बटा में विद्युत धारा गुणा में समय, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दूसरे वाले में आपसे दिया गया है किया गया कार्य गुणा में आवेश, तो ये भी बात गलत है क्योंकि किया गया कार्य बटा में आवेश होता है। तीसरे प्रश्न में आपका दिया है किया गया कार्य गुणा में समय बटा विद्युत धारा, तो ये भी गलत है ठीक ना, क्योंकि जो समय का गुणन है वो विद्युत धारा में है। नेक्स्ट आपका तीनों को गुणा कर दिया है WQ और T, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे पर पहुंचते हैं। आपका तीसरा प्रश्न कौन सा है, क्या दिया है कि निम्न में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है ठीक ना। आपका प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है, पहला कंडीशन ये होती है कि जब भी कोई अवतल दर्पण होता है, इसका मुख्य सिदर यहाँ पर सी मान लीजिए, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर एक वस्तु रखें तब इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, या फिर यहाँ पर रखें और यहाँ पर बने रखें ठीक ना। तो यहाँ पर आपसे स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो और वास्तविक भी बनाना है, तो यदि फोकस व ध्रुव के बीच में रखते हैं तो आभासी बन जाएगा, तो ये ऑप्शन पहले ख़त्म। दूसरा, फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, विवर्धित बनता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तरीके से नहीं पता, उसकी स्थिति पता नहीं चलती है ठीक ना। लेकिन यदि सी व एफ के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वक्रता केंद्र से दूर बनता है, वो भी स्पष्ट बनता है ठीक ना। जब स्पष्ट बनता है और बड़ा बनता है तो आपका यही वाला ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो ये बात गलत है क्योंकि वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र के और वस्तु के बराबर भी बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच हो तो आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, वस्तु से बड़ा तो बनता है लेकिन आभासी बन जाता है, और जब आभासी बनता है तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट आपका ऑप्शन, जब वस्तु दर्पण के फोकस वक्रता केंद्र के बीच में हो, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि सी व एफ अभी मैंने आपको बताया ठीक ना। डी वाला ऑप्शन क्या दिया है, जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। देखिए, जब भी जितना आप वक्रता केंद्र से दूर जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनता है, मतलब कोई यदि ये वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, बहुत बिंदु आकार का बनता है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक ना। नेक्स्ट हम प्रश्नों की बात करते हैं। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वो आपके दूर की वस्तु को देख ले रहा है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, ऐसा कब होता है, जब उसको दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष में जो किरणें आती हैं नेत्र पर, वो रेटिना पर नहीं, रेटिना से दूर काटती हैं, और जब वो रेटिना से दूर काटती हैं तो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है, मतलब जो निकट वाला बिंदु है, जो निकट स्थित जो वस्तु, उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, मतलब कि विद्यार्थी का जो नेत्र का जो निकट बिंदु होगा उससे दूर हो गया है। ये आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। और यहाँ पर दूसरा, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया, ये तो बात गलत है ठीक ना। विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, अगर ऐसा होगा तो उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु से दूर हो गया है ठीक ना। देखिए, दूर बिंदु से दूर हो गया, ये तो ऑप्शन और भी गलत है ठीक ना, क्योंकि उसको निकट की तो नहीं दिख रही है लेकिन दूर की दिख रही है ना, मतलब निकट का जो बिंदु है इससे दूर हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न दिया है कि पांच प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ऐसा प्रश्न जब भी आपके प्रश्न में आए तो एक बात ध्यान में बैठा लीजिएगा, यदि आपसे निम्नतम प्रतिरोध मतलब मिनिमम प्रतिरोध की बात करेगा तो आप उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। आप उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। लेकिन यदि आपसे मैक्सिमम प्रतिरोध की बात करेगा तो आप उसको किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, निम्नतम प्राप्त करना है, तो जो 1/5 ओम का जो प्रतिरोध है सभी को आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे। और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/R बराबर में 1/1/5 प्लस में 1/1/5 प्लस में 1/1/5 प्लस में 1/1/5 इस तरीके से एक बार और 1/1/5 क्योंकि पांच प्रतिरोध हो गए, पांचों को मैंने समांतर क्रम में जोड़ लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पांच ऊपर जाएगा और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 ओम आ जाएगा ठीक ना। ये 1/R बराबर में भी आया है। और जब ये आप R का मान ज्ञात करेंगे तो जो R का मान आने वाला है वो R बराबर में कितना आएगा, 1/25 ओम आएगा ठीक ना। तो 1/25 ओम इसका क्या होगा, ऑप्शन का राइट आंसर होगा ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका 1/25 ओम, यह निम्नतम प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बात करते हैं, क्या दिया गया है
कि एक दिए गए चित्र के अनुसार दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, देखिए जो पूछा है, मतलब कि आप यहाँ पर कौन सा नियम लगाएंगे, पहले धारा किस दिशा में बह रही है, यहाँ पर समझिए धारा तार पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, मतलब इधर से इधर धारा की दिशा इधर है, ठीक ना। और जब धारा की दिशा इधर है और धारा की दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपसे पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी, मतलब किधर होगी, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपको फ्लेमिंग दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना है, ठीक ना। जब आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे तो आपका जो अंगूठा होगा इस साइड में होगा और जो आपकी उंगलियाँ होंगी इधर नीचे की तरफ मुड़ी हुई होंगी, ठीक ना। और जब उंगलियाँ नीचे की तरफ मुड़ी हुई होंगी तो उंगलियाँ ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक ना। तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो नीचे की तरफ होगी। चलिए अब हम लोग ऑप्शन को मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन दिया है आपके राइट। देखिए यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है कि जो धारा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक ना। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित किया है नॉर्थ साउथ, ठीक ना। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया है तार के ठीक ऊपर है, तो ये बात गलत है, तार के ठीक नीचे है, ठीक ना। अब ये ऑप्शन राइट है आपका, कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित, ये बात गलत है, कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है, ये भी बात गलत है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, तार के ठीक नीचे है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेमिंग के और फ्लेमिंग कह रहे हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैंने आपको वो चीज़ बताया भी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग सातवें की बात करते हैं। सातवां प्रश्न आपका क्या दिया है कि निम्न में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। देखिए यहाँ पर आपका मतलब अनंत पर स्थित कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो फोकस पर बनता है किसके द्वारा, तो अवतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, और बस अंतर होता है कि अवतल दर्पण में आपका वास्तविक बनता है, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है। उत्तल लेंस में भी अगर अनंत से कोई आता है तो वो भी फोकस पर बिंदु आकार का ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए आपका तीनों आंसर तो सही है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका पूछा क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, चौथा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस व उत्तल लेंस। तो आपका ये चारों कंडीशन में ये चारों लेंस, दोनों लेंस और दोनों दर्पण दोनों ले लीजिए, तो अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, ठीक ना। जब प्रतिबिंब छोटा ही बनता है तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्या है, एक मिश्र धातु है, एक अलॉय क्या है, मिश्र धातु तत्व है तो गलत बात, यौगिक है ये भी क्या, यौगिक गलत बात, ठीक ना, क्योंकि अगर यौगिक होता है तो हम उसको मिश्र धातु क्यों कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला है आपका दो चीज़ें, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण, इन दोनों में सही की बात करते हैं। अब बताइए आपके घर में पीतल होगा, पीतल में आप क्या देख पाते हैं, कौन सा मतलब उसमें कौन कौन सी धातु मिलाई गई है, क्या कहीं बाउंड्री दिखता है, कहाँ से कॉपर है, कहाँ से सल्फर, कहाँ से जिंक है, क्या कुछ पता चलता है, नहीं पता चलता है। तो देखिए विषमांगी मिश्रण जब भी होता है तो उसमें दोनों मिश्रणों के बीच में दोनों पदार्थों के बीच की सीमाएं दिखती है, ठीक ना। जैसे आप यहाँ से एक ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक ना, पानी भरा है, इसमें आप बालू घोल दीजिए, ठीक ना, बालू घोल देंगे तो बालू कुछ समय बाद नीचे बैठ जाता है और पता चल जाता है कि यहाँ से नीचे बालू है, यहाँ से ऊपर पानी है, तो दोनों के बीच सीमा दिख जा रही है, ठीक है। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण हो गया, लेकिन आपका जो भी मिश्र धातु होता है उसमें कोई सीमा नहीं दिखती है, इसलिए हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी एक समांगी मिश्रण राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नवें की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, निम्न में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए, कौन असंतृप्त है। देखिए असंतृप्त कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंद होता है, ध्यान समझिएगा, जब भी कार्बन कार्बन के बीच एकल बंद होता है तो आपका असंतृप्त होता है, लेकिन यदि आप कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध लगा दीजिए तो आपका असंतृप्त हो जाता है, ठीक ना, कैसा हो जाता है, असंतृप्त, ठीक ना। अब देखिए तो द्विबंध होगा तभी भी वो क्या होगा, असंतृप्त होगा, लेकिन यदि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध हो जाए, तीन बंध हो जाए, ठीक ना, तीन बंध हो गए, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन कुछ भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, मतलब उसके अनुसार, ठीक ना। यहाँ पर हम संतृप्तता और असंतृप्तता की बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, ठीक ना। तो अब बताइए, तो यहाँ पर यदि एकल बंद है तो संतृप्त होगा, यदि ड्यूअल बंद या फिर त्रिबंध है तो क्या होगा, असंतृप्त। चलिए हम लोग ऑप्शन को मैच करते हैं, पहला आपका ऑप्शन दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3, इसमें आपका सिंगल बॉन्ड है तो ये आपका असंतृप्त नहीं है। नेक्स्ट आपका इसमें क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया है, और जब इसमें डबल बॉन्ड दिया है तो ये आपका क्या है, असंतृप्त है, और ये आपका बी वाला। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका यहाँ पर दिया हुआ है क्या,
कि इसी का सी एस थ्री यहाँ पर अगले पेज में आ गया है कट करके, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर इसकी बात करेंगे सी एस थ्री, यहाँ पर क्या होगा सी एच, ठीक ना, सी एच यहाँ पर सी एच सी एस थ्री, और यहाँ पर इसका जो सी एस थ्री है यहाँ पर आ गया है, ठीक ना। तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पर सी एस थ्री, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सभी तरफ एकल बंद ही है, एकल बंद है, जब यहाँ पर एकल बंद है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर ले, ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी की। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये इसका समझ नहीं समझ लीजिएगा, ये इसका गलत है, ठीक ना। अब यहाँ पर इधर सी एस थ्री, यहाँ पर सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एस टू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया, द्विबंध आ गया। और जब यहाँ पर फिर से द्विबंध आ गया तो हमें द्विबंध वाला कौन मिल गया, एक ऑप्शन नंबर डी मिल गया और एक ऑप्शन नंबर बी मिल गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तथा डी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो आंसर बी तथा डी, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं, निम्न में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। देखिए विलयन बनाने के लिए जब भी आप किसी क्षार में पानी मिलाइएगा तो क्षार ही रहता है, बस तनु हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर समझिएगा कि जब भी आप चूने में या फिर जो ठोस कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसमें जल मिलाते हैं तो उष्मा उत्पन्न करता है, तो जितना भी उष्मा उत्पन्न करने वाला होता है उसे हम लोग उष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन जो यहाँ पर ऑप्शन कथन जो बी वाला दिया है वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और आपको पता होगा अम्ल क्षार का जो पीएच मान होता है क्या होता है, यदि अम्ल होता है एसिड होता है तो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। लेकिन यदि वो बेस है क्षार है तो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक ना, सॉरी 7 से, हाँ 7 से ज़्यादा होता है पीएच मान, ठीक ना। यहाँ वाला ऑप्शन यहाँ पर इसको सिंबल को गलत बना दिया, ठीक ना। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना, 7 से कम होता है, जो बेस का पीएच मान होता है क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन हो रही है, तो पहला कथन बी वाला राइट था, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, दूसरा जब क्षार होगा तो परिणामी विलयन की जो पीएच होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तथा डी किस में मिल रहा है भाई, बी तथा डी, देखिए उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बी, और एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी क्योंकि क्षार होगा तो 7 से अधिक होगा। तो बी तथा सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्न में से कौन सा सही प्रदर्शन है। देखिए परमाणु त्रिज्या होता क्या चीज़ है, नाभिक से लेकर के, ठीक ना, नाभिक से लेकर के उसके अंतिम कोश के बीच की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर KLMN कोष है, ठीक ना, तो KLMN कोष है, तो ये नाभिक के बीच में, नाभिक का केंद्र है और केंद्र से उसके नाभिक के बीच की दूरी है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये आपके नाभिक के केंद्र से पहले कक्षा की परिधि तक है, तो ये आपका राइट आंसर, ये परमाणु त्रिज्या को दर्शाता है, बी वाला ऑप्शन, ठीक ना, जो सेकेंड वाला है। थर्ड वाले को हम लोग देख लेते हैं, तो ये केंद्र से अंतिम कोश तक दिखा रहा है, ये भी परमाणु त्रिज्या का सही निरूपण है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि अंतिम कोश के बीच की, मतलब कि यल और यम के बीच के दोनों कोश इनके बीच की दूरी को दिखा रहा है, और जब इनके बीच की दूरी को दिखा रहा है तो ये परमाणु त्रिज्या को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, राइट आंसर है। मतलब आपका जो कथन में दिखाना है वो क्या दिखाएंगे, कौन सा दिखाना है, सेकेंड तथा थर्ड, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेकेंड तथा थर्ड क्या है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है कि कालम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कालम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, यह बेकिंग सोडा, धावन सोडा व सोडियम क्लोराइड है, इनका संबंध दिखाना है, ठीक ना, कालम वाले, कालम बी वाले से संबंध दिखाने के लिए क्या करेंगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके गुण क्या होता है, विरंजन, रंग उड़ाने वाला काम करता है, ठीक ना, विरंजन। तो पहले का सी, देखिए पहले का सी कौन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी तथा ऑप्शन नंबर सी में, बेकिंग सोडा किसको हम लोग मिठाई उठाई में प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी का क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड का जो क्या होगा आंसर, डी होगा, यानी कि सी वाले में मिल रहा है। नेक्स्ट आपका धावन सोडा जो होता है कांच के बिरचन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि थर्ड वाले का ए, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। और सोडियम क्लोराइड का जो है H2 तथा Cl2 के उत्पादन में किया जाता है, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड का। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक ना, कि मतलब पहले का संबंध किससे है,
तीसरे से है, दूसरे का संबंध चौथे से है, तीसरे का संबंध पहले से है, चौथे का संबंध दूसरे से है, ठीक ना। इस तरीके से मैंने सुमिलित किया, अब ऑप्शन को मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, कौन नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देता है। देखिए लाल करने वाला तो काम अम्ल का है, ठीक ना। यहाँ पर आप याद रखिएगा, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल अम्ल लाल कर देता है। आपका एक प्रकार का क्या चीज़ है, यह सूचक है, मतलब जो अम्ल और क्षार को बताता है नीला लिटमस पेपर। नेक्स्ट अब हम लोग उपखंड ग की बात करते हैं, ठीक ना। उपखंड ग क्या है आपका, कि चूने के पानी से भरी परख नली में, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंक मारा जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। आप देखिए इधर दुधिया कैसे होता है, आप दीवार पे कहीं अगर चूने की पुताई करते हो तो पुताई करने के बाद तुरंत उसमें चमक नहीं आती है। चमक क्यों नहीं आती है, क्योंकि आप जिस चूने का प्रयोग करते हो वह चूना अगर दीवार पर आप पुताई कर देते हो तो कुछ समय पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अभिक्रिया करके चमकीला बन जाता है, मतलब दुधिया कलर का हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत अच्छा लगता है तो जब हम लोग चूने के पानी में परखनली से मुंह द्वारा फूंक मारते हैं तब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिस कारण से वो क्या होता है, दुधिया कलर का हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्या दिया है, देखिए बहुत लॉजिक वाला जैव विकास से ये प्रश्न आया है। कुछ डायनासोरों में एक पिछ मौजूद थे, मतलब एक पूंछ मौजूद थी, किंतु उड़ नहीं सकते थे, वे उड़ नहीं पाते थे, लेकिन पक्षियों में पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए तो विकास के संदर्भ में कि पहले किसका विकास हुआ था, तो पहला ऑप्शन है सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, तो पहली बात गलत, ठीक ना। नेक्स्ट सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास का संबंध नहीं, ये भी बात गलत है। दोनों ही जीवों में पर पिच समझात अंग, ये भी बात गलत है। और पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जो प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को सृष्टि का प्रथम जंतु मानते हैं हम लोग, जब सृष्टि का प्रथम जंतु मानते हैं तो पहले उन प्रोटोजोआ संघ के जीवों का विकास हुआ होगा, ठीक ना। उसके बाद जो पक्षियों की उत्पत्ति वो सरीसृपों से हुई है, मतलब कि सरीसृपों का विकास ही पक्षियों की उत्पत्ति में सहायक हुआ है, आगे बढ़ा है, ठीक ना। चलिए एक और इससे रिलेटेड मैं प्रश्न बता देता हूँ, पक्षियों में जो चोंच होता है, ठीक ना, जैसे कुछ जंतुओं का कशेरुकी में जो दांत होता है, दांत का रूपांतरित भाग उसमें चोंच होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं, क्या है आपका, कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको एस्ट्रोलॉजर बनना पड़ेगा, क्या बने, कि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या भविष्यवाणी करेंगे, कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, ये बात गलत है, हाल के वर्षों में होगा तो गहरी परत में नहीं मिलेगा। दूसरा, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, ये आपकी बात सही है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि आजकल जो कार्बन के समस्थानिक की वजह से हम लोग किसी भी जीवाश्म के आयु का पता लगाते हैं, तो दोनों में जरूर कोई ना कोई संबंध है, इसलिए पता कर पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉन्ग है। विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए ये तो बात गलत है, क्योंकि वहाँ पर पता लगाया जा सकता है कार्बन के आधार पर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, कि चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में होते हैं, ठीक ना। चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में होते हैं, आपका ये कोई पौधे का यहाँ पर बीज पत्र वाला भाग दिया है, प्रांकुर और मूलांकुर दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्रम को दिखाना है कि ए वाला किस क्रम को दिखाता है। देखिए एक कहने का मतलब ये ऊपर प्रांकुर का मतलब जो ऊपर की प्ररोह होता है, ठीक ना, प्ररोह जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो जो ऑप्शन ए है बिंदु ए अंकित किया गया है वो किसको दिखाता है, प्ररोह को दिखाता है। देखिए प्ररोह कह रहे हैं प्रांकुर, ठीक ना, तो प्रांकुर कौन सा है आपका, सी वाले में पहले पे प्रांकुर मिल रहा है और बी वाले में पहले पे प्रांकुर मिल रहा है। जो आपका बी है वो बीज पत्र है, वो क्या है, बीज पत्र है, तो बीज पत्र किस पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे। और जो आपका नीचे मूलांकुर, मतलब जहाँ से जड़ें निकली हुई होती हैं, जहाँ से जड़ों का विकास होता है, तो ये मूलांकुर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न दिया है, कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक ना। अमृता देवी बिश्नोई पार्क राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो जीव संरक्षण हेतु यह प्रदान किया जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक ना। कौन ये जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक ना। नेक्स्ट, पौधे की कटाई के लिए, ये बात गलत, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जल संरक्षण हेतु, ये भी ऑप्शन नंबर थ्री। इससे एक और आपका प्रश्न बनाया जा सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक ना, तो यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, इसके लिए कोई संस्था नहीं है, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या दिया हुआ है,
कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, ठीक ना, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे से संकरण, मतलब संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे, F1 के बीज कैसे होंगे, ये आपसे पूछा है। देखिए ये मेंडल का एक संकरण प्रयोग है, ठीक ना, और यहाँ पर संकरण प्रयोग में जो भी आपका कैपिटल से दिखाया जाता है वो आपका प्रभावी होता है, वो आपका कैपिटल R हो या फिर कैपिटल Y हो, ठीक ना, आपका कैपिटल R हो या फिर क्या हो, कैपिटल Y हो, लेकिन जो यदि स्मॉल R और स्मॉल Y दिखाता है तो वो आपका अप्रभावी लक्षण को दिखाता है, और जब वो आपको अप्रभावी लक्षण को दिखाता है तो पहली जो इसका संकरण कराता है F1 में तो गोल व पीले बीज ही प्राप्त होते हैं, ठीक ना, कैसे बीज प्राप्त होते हैं, गोल व पीले बीज, आपको किसी और ने ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्यों नहीं देना है, क्योंकि गोल तथा हरे ये बात गलत है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर जो हरा वाला है, हरा वाला पौधा वो आपका अप्रभावी लक्षण है, ठीक ना। देखिए हरे झुर्रीदार, ठीक ना, झुर्रीदार तथा पीले रंग का है, ठीक ना, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गोल तथा पीला, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर, अरे प्रश्न नंबर 20 की, निम्न चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर आप मादा जनन तंत्र के भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा, ये आपका विजाइना हो जाता है, इधर आपका ये बीच में यूटेरस हो जाता है, ठीक ना, यूटेरस, और इधर आपका ये क्या हो जाता है, फेलोपियन ट्यूब, ये आपका क्या है, फेलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ नलिका, और ये आपका क्या है, अंडाशय है, ठीक ना, दोनों तरफ में गोल गोल सा दिख रहा है, ये आपका अंडाशय है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे, आपसे पूछा है कि एक इस जनन तंत्र भाग, जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है, तो आप क्या बताएंगे, अंडाशय को दिखाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, चलिए वर्णनात्मक प्रश्न जहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं, आंसर लिखनेंगे गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का, चिन्ह परिपाटी लिखिए। देखिए ये आपका चार नंबर का प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको केवल प्रश्न का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आंसर तो अभी नहीं लिख सकता, क्योंकि आंसर लिखने के लिए उतने फैकल्टी नहीं, लेकिन अगर मैं आपको तरीका बताऊँ तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों की हम बात पहले भी कर चुके हैं। आपको बताना क्या है, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखे। देखिए अगर यहाँ पर कोई गोली दर्पण होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम अक्ष की कल्पना कर लेते हैं, आपका एक्स अक्ष हो जाता है, ये आपका एक्स ऋणात्मक एक्स अक्ष, माने एक माइनस एक्स अक्ष हो जाता है, ये आपका प्लस वाई एक्स अक्ष होता है, ये माइनस में वाई माइनस वाई एक्स होता है। अब देखिए यदि कोई वस्तु, मतलब जो दूरी होती है एक्स अक्ष की तरफ होती है तो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, या फिर इससे ऊपर होती है तो पॉजिटिव होती है, इधर भी अगर ऊपर की तरफ होती है तो क्या होगी, पॉजिटिव, लेकिन इस मूल बिंदु इसके ध्रुव से इधर आएंगे तो इधर जाएंगे तो ये दूरी ऋणात्मक होती है, नीचे की तरफ भी जाएंगे तो दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक ना, और इधर भी जाते हैं तो दूरी क्या होती है आपकी, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में फिर से क्या होगी, माइनस। तो आपको इसी चिन्ह परिपाटी को क्या करना होगा, एक वर्णनात्मक तरीके से लिखना होगा कि जब हम धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में बढ़ते हैं तो दूरी पॉजिटिव लेते हैं, जबकि ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में बढ़ते हैं तो दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, और धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो दूरी को पॉजिटिव लेते हैं, और ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में जाते हैं तो दूरी को निगेटिव लेते हैं। तो आपको यही चीज़ आपको लिख करके बताना है और अच्छे से बताना है, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए कि चार नंबर का प्रश्न है, ठीक ना, चार नंबर उसके जेब से निकाल लेना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार का होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखो कैसे इसको चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे कि वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है किस प्रकार का होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक ना, और जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते, यहाँ से आपका दो प्रकार का प्रश्न है, ठीक ना, दो प्रश्न है आपको, दो दो नंबर का, दोनों अलॉटेड है, दोनों नंबर, दो दो नंबर का है मिलेगा। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग रिसॉल्व करते हैं कैसे होगा, कि अब देखिए जो तारे टिमटिमाते क्यों हैं, हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि अपवर्तन किस प्रकार का होता है, ठीक ना। देखिए जो तारे होते हैं बहुत ही दूरी पर होते हैं, अगर बहुत ही पृथ्वी से बहुत दूर पर, और वे हमेशा चमकते रहते हैं, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अब देखिए टिमटिमाने का कारण क्या होता है, कि यहाँ पर आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये आपका क्या है, वायुमंडल है, और वायुमंडल है तो यहाँ पर जो कण होते हैं वो सघनता ज़्यादा होती है पृथ्वी के तल के समीप, जैसे जैसे ऊपर होते हैं सघनता कम हो जाती है, ठीक ना, ये विरल होता जाता है। तो आपको पता है कि यदि उन तारों से यदि कोई प्रकाश आता है, ठीक ना, तो जैसे जैसे वो उसके अंदर घुसेगा तो उसके लिए जो माध्यम की जो लेयर होगी वो एक तरीके से अब विरल से सघन माध्यम में आएगी, और जब विरल से सघन माध्यम में आएगी तो वो अभिलंब की तरफ किरण क्या होगी, झुक जाएगी, और यह घटना हर एक परत पर होगी जैसे जैसे उसकी सघनता का क्रम बढ़ेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर बार बार वो सघनता के कारण से क्या हो रही है,
किरणें अभिलंब की तरफ झुक रही हैं, मतलब कि ज़्यादातर बैंड हो रही हैं, और जब वो किरणें बैंड हो रही हैं तो ग्रह जो तारे होते हैं वो टिमटिमाने लगते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जो ग्रह होता है उसको नज़दीक दूरी से ही आना होता है। देखिए पहले जो तारे होते हैं वो निर्वात से आते हैं, मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर तो निर्वात है, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो विरल माध्यम है, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम हो जाता है, तो अभिलंब की तरफ वो झुकता रहता है, ठीक ना। तो आपके जो तारे टिमटिमाने का आपका जो आंसर है वो मिल चुका होगा, ठीक ना, अपवर्तन का कारण है, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। देखिए ग्रह टिमटिमाने का कारण यह है कि ग्रहों की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन वे पृथ्वी के बहुत ही पास भी होते हैं, जिस कारण से वो नहीं टिमटिमा पाते हैं, ठीक ना। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही सुंदर सा है, क्या दिया है कि प्रश्न 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों, ठीक ना, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों में को किस प्रकार से संयोजित करें, संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। देखिए प्रश्न को मैंने आपको पहले ही लॉजिक बता दिया कि जब आपसे न्यूनतम प्रश्न न्यूनतम प्रतिरोध की बात करेगा तो आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और आपको अधिकतम प्रतिरोध की बात करेगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो पहले हम तीनों को ऐसे ही जोड़कर देख लेते हैं, 2, 3, 5, 6, 11 ओम, तो आपका कोई आंसर नहीं है, मतलब कि आपको मिश्रित क्रम लगाना पड़ेगा। मिश्रित क्रम का मतलब कुछ को श्रेणी में जोड़ देते हैं, कुछ को समांतर में जोड़ देते हैं, ठीक ना, कुछ को श्रेणी में और कुछ को समांतर में जोड़ देते हैं, तब आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए हम लोग पहले इसको 4 ओम प्राप्त करना है, तो 4 ओम को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, मतलब आप एक ऐसे प्रतिरोध बना लीजिए और एक ऐसे प्रतिरोध बना लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 ओम और ये आपका 6 ओम। अब आप इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 6 बटा में 3 प्लस में 6 6 3 18 और 6 3 9 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो आपका 2 ओम आ गया और 2 ओम का प्रतिरोध बचा हुआ है, तो आप इसके श्रेणी क्रम में उसको 2 ओम वाले को जोड़ दीजिए, तो 2 और 2 अब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो टोटल 4 ओम आपका पहला आंसर मिल चुका है, ठीक ना, कि 3 व 6 ओम को आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और इसके तुल्य क्रम में आप किसको जोड़ेंगे, 2 ओम को जोड़ेंगे, तो आपका 4 ओम मिल जाएगा, ठीक ना, पहला मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, हमें समांतर क्रम में प्राप्त करना है, मतलब कि 1 ओम बहुत ही कम प्रतिरोध है, जब 1 ओम की बात करेगा तो आप तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, मतलब 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6। आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 3 + 3 + 2 + 1, मतलब 3 2 5 और 1 6 / 6 यानी कि 1 आ गया, ठीक ना, और R बराबर में कितना आ गया, 1 ओम आ गया, यानी कि आप 2, 3 और 6 ओम तीनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, तो आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण हस्त अंगूठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या बताती है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है, और किस क्षैतिज संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे किस बिंदु की ओर तथा इसके ठीक ऊपर किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपसे सीधे प्रश्न को नहीं पूछा है, प्रश्न को घुमाकर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो प्रश्न में दिया था कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी पर प्रश्न पूछा है, अगर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम की बात करते हैं तो कैसे होता है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में जो अंगूठा होता है वो धारा की दिशा आई की दिशा को प्रदर्शित करता है, लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में क्या होता है, जो अंगूठा होता है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो दोनों में पहला अंतर आपको मिल गया। नेक्स्ट, किसी क्षैतिज संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये प्रश्न तो ऊपर भी आया था, ठीक ना, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही थी, इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखिए आपका जो तार है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर आप यहाँ पर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगी कुछ इस तरीके से होगी, ठीक ना, कुछ इस तरीके से दिशा होगी इसकी। तो अगर ये ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पर यह नीचे की तरफ होती है, यहाँ पर यदि हम ज्ञात करते हैं दिशा, यहाँ पर कोई स्पर्शी खींचते हैं तो जो दिशा होगी वो नीचे की तरफ होगी, लेकिन यदि यहाँ पर आप कोई दिशा कोई स्पर्शी खींचते हैं तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो आपको यही एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक ना, तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, ये भी प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, ठीक ना, विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर विद्युत मोटर का इसकी संरचना में
में आपका क्या क्या होता है, आपका विभक्त वलय होता है, आर्मेचर होता है, कुंडली होती है, ठीक ना, दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, ठीक ना, और उसके बाद आपका आर्मेचर विभक्त वलय होता है, ठीक ना। तो मैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर विद्युत मोटर को बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन किया हुआ हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या काम होता है, तो ये धारा की दिशा को बदलता है, जिस कारण से जो आर्मेचर होता है उसमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिस कारण से आपकी कुंडली क्या होती है, घूमती रहती है, ठीक ना। तो वहाँ पर विभक्त वलय का यही कार्य होता है, धारा की दिशा को पलट देना, उल्टा कर देना, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्या आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उपखंड बख है और इसमें यौगिकों की संरचना है, चित्रित करना है, चित्र बनाना है संरचना, ठीक ना। पहला आपका दिया है क्लोरोप्रोपेन, देखिए प्रोपेन मतलब तीन कार्बन, प्रोपेन का मतलब कितना होगा, तीन कार्बन, और यहाँ पर जब भी प्रोपेन की बात करेगा तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, अब देखिए क्लोरोप्रोपेन की बात करेगा तो आप यहाँ से इसके एक संयोजकता से क्लोरीन जोड़ दीजिए, ठीक ना, एक संयोजकता से क्या जोड़ दीजिए, क्लोरीन जोड़ दीजिए, बाकी से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो ये आपका बन जाता है क्लोरोप्रोपेन, ठीक ना। यहाँ पर जो भी आपके संयोजक यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे जैसा भी जगह, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, दिया है टू मेथिल प्रोपेनल, टू मेथिल प्रोपेनल मतलब प्रोपेनल क्या होगा, तीन कार्बन होगा, और अल कब जुड़ता है, जब उसमें क्या जुड़ा हुआ हो, सी एच ओ जुड़ा हुआ है, ठीक ना। जब भी सी एच ओ जुड़ेगा तो क्या कहा जाएगा, प्रोपेनल कहा जाएगा। मैं इसको फिर से बनाता हूँ, यहाँ पर सी सी और यहाँ पर सी एच ओ, ठीक ना। तो ये आपका प्रोपेनल अगर इस तरीके से, अब यहाँ पर कहा है कि टू मेथिल प्रोपेनल, टू मेथिल प्रोपेनल मतलब एक इस इधर जो क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है तो उधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं, तो वन और दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर मेथिल जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सी एच थ्री जुड़ा है, तब दो मेथिल प्रोपेनल हो गया, ठीक ना। जब ये सी एच ओ, ये एल्डिहाइड समूह का क्रियात्मक समूह है, जब जुड़ता है तो उसमें क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है, और सिंगल बॉन्ड है तो आपका मे प्रोपेन अल, प्रोपेन में अल जुड़ा है, प्रोपेन अल हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, टू टू डाई मेथिल ब्यूटेनॉल दिया है, देखिए ब्यूटेनॉल जब भी जुड़ेगा तो हाइड्रॉक्सी समूह होता है, वहाँ पर OH होता है, ठीक ना। और जब टू टू डाई मेथिल ब्यूटेनॉल कहेगा तो कितने कार्बन परमाणु होंगे, चार कार्बन परमाणु होंगे, ठीक ना, चार कार्बन परमाणु कुछ इस तरीके से, ठीक ना। अब यहाँ पर जो होगा आपका क्या जुड़ा हुआ है, ब्यूटेनॉल, मतलब यहाँ पर मैं OH जोड़ देता हूँ तो ये आपका ऑल हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, टू टू डाई मेथिल मतलब इधर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो दूसरे वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, मतलब एक सी एच थ्री यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक सी एच थ्री यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये टू टू डाई मेथिल ब्यूटेनॉल हो जाता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट हो गया, चार ब्यूटेनॉल, ठीक ना। ये आपकी संरचना ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होंगे, पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक ना। अब देखिए पेंटेनोइक है तो इसमें क्या होगा, ओ ओ एच, सी ओ ओ एच जब भी जुड़ता है तो ये क्या होता है, पेंटेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, पेंटेनोइक अम्ल होता है। जब भी ये पेंटेनोइक अम्ल होता है तो अब देखिए यहाँ पर मेथ एथ, ये एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन परमाणु जो है आपको यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और हाइड्रोजन जब ये जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, या पेंटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट प्रश्न, चलिए समझते हैं कि दिया है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, ठीक ना, 10, 20, 7, 14। आपका पहला प्रश्न तत्वों की पहचान कीजिए, और जो दूसरा प्रश्न आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त को पहचानिए, ठीक ना। आपको आवर्त पहचानना है, और क्या पहचानना है आपको, उनके आवर्त, ठीक ना। तो पहले 10 परमाणु क्रमांक किसका होता है, 10 परमाणु क्रमांक आपका होता है नियान का, नियान कौन सा है, अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस है तो इसके आवर्त की बात करेंगे तो इसका जो आवर्त है वो पहला आवर्त है, और वर्ग कौन सा है, 18वां वर्ग है, यानी कि 18वां समूह में रखा गया है, ये पहला नियान। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर पर आपका होता है कैल्शियम, CA होता है, ठीक ना। ये CA किस आवर्त का तत्व है, कैल्शियम, ये आपके चौथे आवर्त का तत्व है, किस आवर्त का तत्व है, चौथे आवर्त का। आप मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी को देखिएगा, जो अरे मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी को, वहां पर दिखाया जाएगा, ठीक ना। कैल्शियम है चौथे आवर्त का है, किस वर्ग का है, तो यह वर्ग दूसरे वाले वर्ग का तत्व है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वर्ग 7, 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन बात करें तो किस आवर्त का है, तो दूसरे आवर्त का तत्व है। नाइट्रोजन कौन से आवर्त का तत्व है, दूसरे आवर्त का। और उसके बाद बात करेंगे तो इसका जो वर्ग है वो 15वां समूह है, ठीक ना। कौन सा समूह है, 15वां समूह है, किसका, नाइट्रोजन का, ठीक ना।
देखिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 14। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। और ये सिलिकॉन को ऐसा ही से दिखाते हैं। इसके आवर्त की बात करेंगे सिलिकॉन का तो तीसरा आवर्त होता है, और समूह की बात करेंगे तो 14वां समूह होता है, ठीक ना। तो ये आपको देखिए बहुत ही ईजी प्रश्न है, मैं कहूँगा ये 4 नंबर का है, 4 यदि आप मिस नहीं करते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, दिया है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा परमाणुओं की संख्या को। मैं बता देता हूँ कौन कहाँ पर क्या भरा जाएगा। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या मिलाएंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। देखिए वहाँ पर जो पहले प्रश्न आया था खड़िया वाला, मतलब दुधिया रंग का हो जाता है, दुधिया रंग का कब होता है? जब आप उसमें CO2 मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दीजिए तो कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन जाता है? जल बन जाता है, ठीक ना। तो आपका पहला आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, खाली स्थान सिल्वर नाइट्रेट यह मिल जाता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर कब बनाएगा? यह देखिए आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, और जब भी आप जिंक को ZN को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराइए तो जिंक नाइट्रेट और क्या बनाता है? सिल्वर बनाता है, ठीक ना। ये यहाँ पर आप जिंक भरेंगे, ठीक ना, और आप उसको बैलेंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है एल्यूमिनियम, ठीक ना, एल्यूमिनियम और रिक्त स्थान है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाता है और कॉपर बनाता है, यह कब होगा? यह भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर ही है, ठीक ना। और यहाँ पर आप किससे अभिक्रिया कराएंगे? कॉपर क्लोराइड CuCl2 से, CuCl2, ठीक ना, कॉपर क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करा देंगे तो आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्या बन जाता है? कॉपर बन जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होगा? AlCl3 होगा, AlCl3 होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्या दिया है? बेरियम क्लोराइड व पोटेशियम सल्फेट, ठीक ना, जब भी ये मिलता है तो क्या बनता है, ठीक ना। देखिए बेरियम सल्फेट बनता है, और इसका जो क्लोराइड होता है, इसका जो पोटेशियम होता है, निकल कर बना लेता है पोटेशियम क्लोराइड KCl बना लेता है, तो आप क्या बनाएंगे? पोटेशियम क्लोराइड KCl। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, क्या दिया हुआ है आपका कि मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, मैग्नीशियम के साथ क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है प्लस में हाइड्रोजन गैस H2 बनाता है, ठीक ना, तो आपको ये चीज़ ऐड करना है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है कि किसके साथ क्लोरीन मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो ये आपका H2 के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है? H2 के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ये बहुत ही मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, ये आपका 6 दिया था और 1-1 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर ये आप इसको पढ़कर जाते हैं तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक ना। और अभिक्रिया तो आना फिक्स है, कैसे ही आएगी, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की आप आपसे पूछा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर क्या लिखिए? टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी क्या, कैसे लिखेंगे आप? कि आप ये 3 के बारे में लिखना है और ये दोनों 2-2 नंबर का है, तीनों 2-2 नंबर का है। पहला आपको लिखना है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब जब दो लोग मिल जाते हैं, जब दो लोग मिलकर एक नायिका बन जाता है, तीसरा बन जाता है, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाता है। जैसे जो कार्बन होता है यदि ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो CO2 बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है, और जब CO2 बनाता है तो ये आपकी संयोजन नहीं, मतलब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक ना, दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं संक्षारण, ठीक ना। अब संक्षारण पर टिप्पणी लिखना है, देखिए संक्षारण क्या होता है कि जब भी, ठीक ना, संक्षारण क्या होता है? जब भी आपका लौह, देखिए 3 चीज़ें, लोहे पर आपका भूरे रंग की परत चढ़ती है जिसे हम लोग जंग कहते हैं, और आपका जो कॉपर होता है उस पर हरे रंग की परत चढ़ती है, हरे रंग का जंग लगता है, जो चांदी होता है उस पर काले रंग की परत चढ़ती है, ठीक ना, काले रंग की परत चढ़ती है, किस पर? चांदी पर, ठीक ना। आप तीनों याद है, ये तीनों संक्षारण का ही क्या है? उदाहरण है, ठीक ना। जब तीनों संक्षारण का उदाहरण है, मतलब कि इसमें होता क्या चीज़ है कि जो धातुएं होती हैं वो संक्षारित हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो जब लोहा भूरा रंग कैसे हो जाता है, ठीक ना, लोहा भूरा कब होता है? जब आप लोहे पर, ठीक ना, लोहे पर जल मतलब नमी और वायु मिल जाता है, नमी और वायु O2 मिल जाता है तो अब फेरस आयरन का ऑक्साइड बना लेता है जिसे हम लोग जंग कहते हैं, ठीक ना, यह भूरे रंग का होता है। तो आपको इस तरीके से करके संक्षारण पर प्रक्रिया टिप्पणी लिखनी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे चांदी पर, तो चांदी पर सिल्वर, ठीक ना, जैसे चांदी है उस पर यदि कोई भी सल्फर मतलब सल्फर अयस्क समझ लेते हैं, यदि सल्फर के किसी सब्सटेंस से या फिर और नमी के साथ अभिक्रिया होता है तो सिल्वर ऑक्साइड बनाता है काले रंग का, ठीक ना, काले रंग का क्या बनाता है? अरे सिल्वर सल्फाइड बनाता है, Ag2S बनाता है, सिल्वर सल्फाइड यह काले रंग का होता है, इस कारण से हम कहते हैं कि जो चांदी पर काले रंग का जंक लगता है, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका भर्जन, भर्जन क्या होता है? देखिए जब भी कोई अयस्क होता है, अयस्क को उसकी गलनांक के नीचे, ठीक ना,
अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म करके जो सल्फर युक्त अशुद्धि होती है उसे बाहर करने की क्रिया या फिर उसको निष्कासित करने की क्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। आप इसको अपने बुक में पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में लिख सकते हैं, ठीक ना। मैं आपको शॉर्ट वे में बता दिया, गलनांक से नीचे गर्म करके आप हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसका गलनांक के नीचे गर्म करके सल्फर युक्त जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसे बाहर करते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया है खंड ग में कि निम्न संकरणों में संतति की विशेषताएं बताइए। देखिए ये मेंडल के संकरण प्रयोग पर है और संकरण प्रयोग पर बहुत ही अच्छा सा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक ना। संकरण प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहले आपका संकरण दिया है, यहाँ पर संतति दिया है कि किस प्रकार की संतति होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर संकरण में आपका पहला संकरण है कि गोल व पीला बीज है यदि हरा झुरीदार के साथ संकरण होता है तो किस प्रकार के संतति होंगे, ठीक ना। जो भी संतति होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका प्रभावी लक्षण है वो कैपिटल आ रहा है और जो प्रभावी है वो पीला है, ठीक ना। लेकिन जो हरा है वो अप्रभावी है, झुर्रीदार भी क्या है और प्रभावी है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आपसे प्रभावी और अप्रभावी, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक ना। आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़कर जाइएगा क्योंकि परीक्षा में वो आपसे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर गोल और पीला मिल गया, यहाँ पर हरा और झुर्रीदार मिल गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो आपका पहले प्रभावी लक्षण की बात करेंगे तो पीला व गोल मिलाएगा, ठीक ना। कैसा मिलाएगा, पीला व गोल मिलेगा, ठीक ना। पहला में आंसर भरेंगे। इस तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को अपने बुक से कर सकते हैं और इसमें के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी भी लिख सकते हैं। टिप्पणी तो लिखने के लिए कहा नहीं है, एक एक नंबर का है, आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रंध्र के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए रंध्र क्या होता है, रंध्रों के माध्यम से तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब उसमें से जो जल की हानि होती है उसे हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह किसके कारण से होता है, यह स्फीति दाब के कारण से होता है, ठीक ना। स्फीति दाब के, क्योंकि जो वहाँ पर भित्तियों में संकुचन होता है और संकुचन होता है तो वह रंध्रों पर स्फीति दाब आरोपित करती है, और जब वो स्फीति दाब आरोपित करती है तो ये भित्ति एक दूसरे को दबाती हैं, जिस कारण से वहाँ से जब रंध्र खुलता है तो वहाँ से वाष्प जल की हानि होती है, ठीक ना। तो आपको रंध्र के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, लिखने के लिए बोला है और आपकी बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है वायु वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का नियंत्रण करना है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता कौन है, पौधे लेते हैं। कौन लेता है, पौधे लेते हैं। और जब पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो आप क्या करेंगे, पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में आप पौधों को लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित करने वाले जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी स्तर है, उन पर एक आप उचित कानून लगाएंगे कि मतलब एक लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन न करने के लिए। तो आप इस तरीके से आपको उपाय सुझाव देना है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रिकों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए। देखिए यहाँ पर जो यूरिन का निर्माण होता है, पहले मूत्र होता है, क्या चीज़ है, ठीक ना। तो मानव शरीर में जो भी वज्य पदार्थ होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक ना, पहले अगर आपके बड़ी आँख में पाचन हो जाता है तो वहाँ से कुछ जो पदार्थ होता है वो ब्रिक में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ क्या ब्रिक में होता क्या चीज़ है, उसकी सफाई की जाती है, ठीक ना। मतलब उसको फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करने के बाद जो भी आपका मतलब उपयोगी पदार्थ होता है ब्रिक द्वारा छान करके, ठीक ना, छान करके को क्या कर दिया जाता है, फिर से आपके ब्लड में भेज दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन जो बेकार पदार्थ होता है यूरिया युक्त, मतलब जिसमें यूरिया होता है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, यह यूरिया का फार्मूला है, अणुसूत्र है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, NH2 का ट्वाइस इंटू में CO लिखते हैं, ठीक ना। यह यूरिया का दोनों फार्मूला है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो जो भी यूरिया युक्त पदार्थ होता है उसे वज निष्कासित कर दिया जाता है ब्रिक के द्वारा, ठीक ना, उसमें नेफ्रॉन वगैरह है, ठीक ना। तो वो इस चीज़ को आपको चित्र बना करके उसका वर्णन करना है कि किस तरीके से आप उसको वर्णन कर रहे हैं। और यह आपका प्रश्न जो है 6 नंबर में मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, आपको करके आना चाहिए। देखिए चित्र बनाएंगे यहाँ पर, तो पहले जो प्रश्न देता था इसे चित्र बनाने वाला, उसमें एक नंबर फिक्स था कि आप चित्र बनाएंगे तो एक नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी फिक्स इश्यू नहीं है कि आपको कितना नंबर मिलेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ये आपका अथवा में दिया है कि मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। देखिए मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, मतलब चित्र सहित दिखाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन करना है। मैं आपको भागों के नाम बता देता हूँ, आप उस चीज़ को वर्णन कर सकते हैं उसका, ठीक ना। देखिए नर जनन तंत्र की बात करेंगे तो आपका टेस्टिस होता है। टेस्टिन से क्या होता है, ठीक ना, ये अब बेस डिफरेंस, दो नलिकाएं होती हैं, ठीक ना। बेस डिफरेंस के बाद ये आपका पेनिस हो जाता है इधर से, ठीक ना। पेनिस के बाद इधर आपका जो भी
कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो मतलब मूत्र जो यूरिन बनता है उसका निर्माण होता है, ठीक ना, जो वृक्ष जो किडनी से आता है तो आकर वो यहीं पर मिलता है, ठीक ना। और इस टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पर आपका शुक्रवाहिनी हो गया, वेज डिफरेंस हो गया, ठीक ना, जो शुक्रवाहिनी, शुक्र नलिका, पेनिस, टेस्टिस, ठीक ना, सिस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख देते हैं तो आपका आंसर, आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि देखिए इसके कम से कम छः नंबर का दिया है, तो छः पार्ट के नाम के बारे में आपको, छः पार्ट के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक ना। पहले आप किसके बारे में लिखेंगे, वृषण के बारे में लिख सकते हैं, ठीक ना, किसके बारे में लिख सकते हैं, वृषण के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद आप वृषण कोष के बारे में लिख सकते हैं, ठीक, वृषण कोष को जो होता है शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कम टेम्परेचर पर होता है, ठीक ना। उसके बाद आप किसके बारे में, शिश्न के बारे में लिख सकते हैं, ठीक ना। शिश्न के बाद आप किसके बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर शुक्रवाहिनी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक ना, शुक्रवाहिनी के बारे में। उसके बाद आप हार्मोन्स ग्रंथियों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक ना। हार्मोन्स ग्रंथियां मतलब हार्मोन्स ग्रंथि किसके द्वारा से वहां पर हार्मोन्स स्रावित होता है, ठीक ना। तो टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन्स होता है वो आपका किस में पाया जाता है, वृषण कोष में पाया जाता है। उसके बाद आप इतने भाग लिखने के बाद आप शुक्राणु के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। और जब आप इन सब के बारे में लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। और कोई भी ये कठिन प्रश्न पत्र नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो कठिन प्रश्न पत्र नहीं है। और इस तरीके से मैंने आपको सभी प्रश्न का आइडिया बता दिया हूँ कि इस तरीके से आने वाला है प्रश्न, ठीक ना। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पुराना वाला ही डायलॉग है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।